नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेगुलेशन पे किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है उस पे हम लोग बारी बारी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का चर्चा का विषय है वो है 24 आवर। भैया रेगुलेशन 2017 सीएमआर 2017 में 24 आवर से रिलेटेड कितना क्वेश्चन, कितना रेगुलेशन, आज हम लोग का चर्चा का विषय यही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है कि माइंस में वर्कर को चोट पहुंचने की संभावना वाली, माइंस में वर्कर को चोट पहुंचने की संभावना वाली इजीली आइडेंटिफिकेबल घटना डेंजरस ऑक्यूरेंस कहा जाए तो इसकी नोटिस, डेंजरस ऑक्यूरेंस की नोटिस किसको कितने दिन में दी जाएगी। भैया डेंजरस ऑक्यूरेंस की नोटिस जो है वो कितने देर में दी जाएगी, तो भैया वो 24 घंटे के अंतर में दी जाएगी। कौन बोल रहा है ये बात, ये बोल रहा है रेगुलेशन नंबर 8। डेंजरस ऑक्यूरेंस की नोटिस कितने टाइम के अंदर में, 24 आवर के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में पहले नोटिस सीरियस बॉडी इंजुरी की थी, क्या है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ है और पहले जो हम लोग नोटिस दिए वो किसमें दिए हैं, सीरियस बॉडी इंजरी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो आदमी डेथ कर गया, वो जो डेथ किया वो किसमें किया, फैटल एक्सीडेंट में डेथ किया, या वो जो सीरियस बॉडी इंजरी है या किसी और इंजरी में बदल गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो नोटिस कितने देर के अंदर में दी जाएगी, तो भैया ऐसे सिचुएशन में नोटिस 24 आवर के अंदर दी जाएगी। कहां से बात, रेगुलेशन नंबर 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, किसी भी जांच में इंफ्लेमेबल गैस यदि 0.8% से अधिक मिले तो उसके बाद जांच कब की जाएगी। क्या है, किसी भी जांच में इंफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज 0.8 से अगर अधिक मिलता है तो जांच कितने दिनों के, कितने देर के अंदर में की जाएगी, कितने देर के अंदर में की जाएगी, एवरी 24 आवर के अंदर में। इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज अगर माइंस में 0.8% से ऊपर है तो जांच इनफ्लेमेबल गैस की एवरी 24 आवर में करेंगे। कहां से ये बात, रेगुलेशन 169 से ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब माइंस की वेंटिलेशन प्रणाली में ऐसा परिवर्तन किया जाए कि जिससे खान की वेंटिलेशन में विशेष अंतर पड़ता है या पड़ सकता है तो उस परिवर्तन के कितने घंटे के अंदर में इंफ्लेमेबल गैस की जांच की जाएगी, कितने देर के अंदर में, अंडर 24 आवर, अंडर 24 आवर। कहां से बात, रेगुलेशन 169 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की रिपोर्ट पर, किसपे, एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की जो रिपोर्ट है उस पे मैनेजर कितने देर के अंदर में साइन करता है, कितने देर के अंदर में साइन करेगा, साइन करेगा भैया अंडर 24 आवर। कहां से बात, रेगुलेशन 143 से ये बात आ रहा है कि एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट की जो रिपोर्ट है उस पे मैनेजर अंडर 24 आवर सिग्नेचर करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि डस्टिंग से पहले इकट्ठी की गई डस्ट को, हम लोग माइंस पर जो डस्टिंग करते हैं ना, खासतौर पे अभी वर्तमान में हम लोग का क्या हो रहा है, आईएसएल का टीम आ रहा है, भाई मैनेजर साहब अरे भाई जल्दी डस्टिंग कराइए, सरदार अबू इंचार्ज बाबू, इससे पहले डस्टिंग क्या होता है पता ही नहीं लोगों को, लेकिन आईएसओ का टीम आ रहा है, डीजीएमएस का टीम आ रहा है भैया, तो फिर पूरा पोछाड़ा, पूरा लीपा पोती है ना, यही चलता है। तो डस्टिंग से पहले क्या करना है हम लोग, बाकी जो पुराना वाला डस्ट है या कहीं भी बेकार कूड़ा कचरा है तो उसको हम लोग क्या करना है, कितने देर के अंदर में डंगाल पहुंचा देना है भाई, सरफेस पे पहुंचा देना है, तो अंडर 24 आवर। कहां से बात, रेगुलेशन 144, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है कि डोली में सिग्नलिंग अप्लायंस की जांच कब की जाएगी, बाइंडिंग इंजन में जो डोली होता है ना उसमें जो सिग्नल सिस्टम होता है उसका जांच हम लोग कब करेंगे, एवरी 24 आवर, एवरी
24 आओ, ठीक है। वाइंडिंग में ही दूसरा बात आता है कि एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट बाय द इंजीनियर और सीपी कॉम्पिटेंट पर्सन इन एवरी 24 आवर, क्या है एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट बाय इंजीनियर और सीपी एवरी 24 आवर, कहां से है रेगुलेशन 88। तो क्या होगा भैया वाइंडिंग इंजन में एवरी 24 आवर में किस किस चीज का जांच होगा? पहला होगा वाइंडिंग रॉक का ड्रम से अटैचमेंट, वाइंडिंग का जो रॉक होता है ना उसका जो ड्रम से अटैचमेंट होता है उसका पहला जांच। दूसरा होगा डेप्थ इंडिकेटर, तीसरा होगा एवरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन गियर, चौथा होगा फेंसिंग की डोली, डोली में जो फेंसिंग लगा हुआ है उसका जांच, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ वाइंडिंग इंजन, वाइंडिंग इंजन में लगे बाहर पार्ट जो आसानी से मेरे नजर में दिख रहा भाई ये पार्ट है उसका जांच करना है हम लोग, ठीक है, और वाइंडिंग इंजन का ब्रेक का जांच। कितना जांच हो जाएगा एवरी 24 आवर में वाइंडिंग इक्विपमेंट, वाइंडिंग रॉक का ड्रम से अटैचमेंट, डेप्थ इंडिकेटर, एवरी पार्ट ऑफ सस्पेंशन गियर, फेंसिंग ऑफ डोली, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंजन और वाइंडिंग इंजन का ब्रेक, कहां से बात रेगुलेशन 88 से ये बात, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन बाय सीपी और इन एवरी 24 आवर, क्या है एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन बाय सीपी इन एवरी 24 आवर, क्या क्या होगा? हॉलेज इंजन, ब्रेक, व्हील, रॉक और यूज आने वाले साधन। हॉलेज में एवरी 24 आवर में किस किस चीज का जांच होगा, इंस्पेक्शन होगा? हॉलेज इंजन, ब्रेक, व्हील, रॉक और यूज आने वाले साधन, कहां से बात रेगुलेशन 98 से की बात, ठीक है। तो यहां पर जो आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ 24 आवर इन सीएमआर 2017 समाप्त, ठीक है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा दोस्तों कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों। और एक खास बात बता रहा हूं कि आज से एक दो दिन के अंदर आप लोगों को एक डाइजेस्ट मिलेगा दोस्तों, और उस डाइजेस्ट का नाम है टीजीएमएस एग्जाम ट्रैकर, टीजीएमएस एग्जाम ट्रैकर, ठीक है। एक दो दिन में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। और ये जो डाइजेस्ट है ये डीजीएमएस के एग्जाम में चाहे मानिंग सरदार हो, ओवरमैन हो, सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, और मेटल वाले का जो मैट और फोरमैन के एग्जाम में बैठ रहा है, ठीक है, उस तरह का जो एग्जाम में बैठ रहा है उसके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। पुनः मिलते हैं हम लोग दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।